आज मार्केट में काफी दिनों के बाद हरियाली देखने को मिली। क्या ये मौका है या धोखा है? मार्केट कहीं ऐसे तो नहीं फंसा रहा? कहीं मार्केट कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अब मार्केट में तेजी आएगी या मार्केट में गिरावट आएगी, और अगर ये गिरावट आ रही, ये हुई है जब से हमने देखा है, आज करीबन एक महीने से 1.5 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा है, कम से कम 10% की गिरावट हो चुकी है, क्या आगे भी गिरावट होगी? आज अगर हम देखेंगे तो करीबन करीबन हर सेक्टर में हरियाली छाई हुई थी। कम से कम 1628 स्टॉक जो तो यहाँ पर एनएसए में देखेंगे हम, एनएसए में तो यहाँ पर करीबन 1628 स्टॉक जो तो वो ग्रीन में थे और 846 जो तो वो नेगेटिव में थे। आज हर इंडिकेटर में हरियाली थी। अगर हम निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 64.70% का यहाँ पर अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो 70% का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, और निफ्टी मिड कैप में देखेंगे तो 503 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर हम निफ्टी 50 में देखेंगे तो 303% अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और निफ्टी 100 में देखेंगे तो यहाँ पर 73 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और निफ्टी 200 में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे 53 अंक की बढ़ोतरी मिली है, निफ्टी 500 में देखेंगे तो यहाँ पर 104% की पॉइंट की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे करके यहाँ पर करीबन करीबन मार्केट यहाँ पर पूरा इंडिकेटर यहाँ पर ग्रीन था, काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिली। बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हुआ होगा। आज जो पोर्टफोलियो बहुत डाउन गया था वो थोड़ा बहुत आज ग्रीन देखने को मिला है। आगे हम देखते हैं कि क्या हमको आगे देखने को ग्राउंड देखने को मिल सकती है, और क्योंकि शॉर्ट टर्म करेक्शन 2 से 4% या इस महीने में तो होगी होगी, ठीक है दोस्तों, करेक्शन देखने आगे 10 से 20% और देखने को भी मिल सकती है। मीडियम टर्म डाउन टर्न 6 से 18 महीने, इकोनॉमिकल स्लो डाउन या ग्लोबल टेंशन या पॉलिटिक्स चेंज की वजह से भी, और भी 10-20% और भी देखने को मिल सकती है। कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म यहाँ पर देखो शेयर मार्केट जो है ना, कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आना है। मार्केट में तेजी और गिरावट, डाउन अप लॉन्ग अप, ये तो लगा हुआ है। कभी मार्केट डाउन जाएगा तो कभी अप जाएगा, ना तो वन साइड चलेगा, ना तो वन साइड नीचे ही जाएगा, ना सो वन साइड ऊपर ही जाएगा। अभी हो सकती है कि और गिरावट भी मिल सकती है। गिरावट का जो कारण है वो है ग्लोबल इकोनॉमिकल ट्रेंड्स और इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिक्स टेंशन और पॉलिसी चेंज या सेक्टर स्पेसिफिक इशू। इन 6 कारणों से मार्केट गिर सकता है और चाहे ऊपर भी जा सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट ना तो वन साइड चलता है, ना ही चलेगा, ना ही आज तक चला है। मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है दोस्तों, तो मार्केट में कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो तो पैसा यहाँ पर डूबेगा। अगर आपने अच्छी कंपनी, अगर स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो अच्छी कंपनी में करना चाहिए, वो आज भले ही डाउन है तो कल अप भी जाएगी, और आज अगर अप है तो कल डाउन भी जाएगी। ये मार्केट का सिनेरियो है, ये चलता ही रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में समय समय पे गिरावट भी होती रहती है और समय समय पे बढ़ोतरी भी होती रहती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ, ये कोई एफडी नहीं है कि इतना फिक्स रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप यहाँ पर मार्केट में अगर आए हैं तो 2-4 दिन की मेंढक बोल के मत आइए।
आपको शेयर मार्केट में रहना है तो टिक के रहना पड़ेगा और हमेशा नजरें गड़ा के रहना पड़ेगा कि यार कहाँ हमने कौन सी कंपनियां में हमने इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी आज बाहर जा रही, कौन सी कंपनी अच्छी कर रही। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसे को फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं, मदद कर सकता हूँ आपकी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।